नमस्कार, आपका स्वागत है क्रिकिनशॉर्ट में, जहां हमेशा लेके आते हैं क्रिकेट से जुड़ी ताज़ा खबर। हम इस एपिसोड में बात करेंगे 2019 वर्ल्ड कप के कंप्लीट फिक्स्चर के बारे में, जो आईसीसी ने हाल ही में अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया है। अगर हम 2019 वर्ल्ड कप के फिक्स्चर की बात करें तो वो 1992 वर्ल्ड कप का जो राउंड्स रॉबिन था उसकी तरह ही है, जहां इस बार 10 टीमें हैं जो शिरकत कर रही है वर्ल्ड कप में, और वो 10 टीमें आपस में खेलेंगी। मतलब अगर 10 टीमें हैं तो हर टीम को नो टीम राउंड्स रॉबिन में खेलनी है, और जो 4 टॉप टीमें होंगी वो सीधे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। इसका निर्णय पॉइंट्स टेबल के आधार पर होगा। 2019 वर्ल्ड कप 30 मई 2019 से 14 जुलाई 2019 तक चलेगा, जहां पहला मुकाबला 30 मई को साउथ अफ्रीका और होस्ट इंग्लैंड के बीच होगा। वहीं भारत अपना मिशन जो 5 जून 2019 को चालू करेगा, वहीं भारत का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान से 16 जून 2019 को होगा। हालांकि इस बार का क्रिकेट वर्ल्ड कप काफ़ी लंबा चलने वाला है, लगभग 46 दिन के लिए, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर अपनी फिटनेस पे ख्याल रखें, क्योंकि कोई भी इंजरी किसी भी टीम पे भारी पड़ सकती है। खास तौर पे जैसे भारत के कुछ प्लेयर हैं, भुवनेश्वर कुमार, वो हाल ही में थोड़े घुटने की इंजरी से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए बार बार आईपीएल के मैचेस मिस करते हैं। इसलिए भारतीय टीम मैनेजमेंट को ये देखना होगा कि भुवनेश्वर कुमार का इस्तेमाल किस प्रकार करें, उनका इस्तेमाल अच्छी टीमों के खिलाफ करें, वहीं जो थोड़ी कमज़ोर टीम है उनके खिलाफ कोई रिजर्व बॉलर आपके पास इतने अच्छे होने चाहिए जो उनको रोक सके। इसलिए वहीं भारत की जो बैटिंग है, विराट कोहली को भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, इसलिए विराट कोहली को अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखना होगा। वहीं एमएस धोनी भी अभी देखा गया है कि थोड़ी पीठ की स्टिफनेस से परेशान रहे हैं, तो उनको भी अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो 3 प्लेयरों के मैंने नाम लिए वो भारत के सबसे बड़े प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप में भारत को वर्ल्ड कप जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। हालांकि अभी भी भारत को अपनी 2019 वर्ल्ड कप की टीम चुननी है, जिसमें कई ऐसे प्लेयर हैं जो पहले से ही मौजूद रहेंगे। वहीं हम कुछ प्लेयर्स की बात करें, जैसे नंबर 4 नंबर 6 की पोजीशन अभी भी खाली है, तो उस पोजीशन के लिए हमने देखा आईपीएल में कई प्लेयर उभर कर आए हैं। तो अभी अगर हम देखें तो दिनेश कार्तिक हुए, अंबाती रायडू हुए, मनीष पांडे का परफॉर्मेंस फिर से ख़राब रहा, तो उनकी दावेदारी बहुत कमज़ोर हो गई है इस समय। मगर दिनेश कार्तिक, अंबाती रायडू और अनेक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया है, जो अपने नंबर 4 की पोजीशन को अच्छा साबित कर रहे हैं। वहीं जो हम बात कर रहे थे नंबर 6 के लिए, भारत को एक बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, जिसके लिए पहले केदार जाधव अच्छी कराते थे, मगर केदार जाधव के साथ एक प्रॉब्लम है कि उनकी फिटनेस और उनकी फील्डिंग उतनी अच्छी रहती नहीं है। वहीं हमें लग रहा था कि इस बार सुरेश रैना कमाल का प्रदर्शन अगर आईपीएल में हो जाता है तो वो सीधे भारत के वर्ल्ड कप स्क्वाड में क्वालिफाई कर जाएंगे, मगर अभी तक जितना भी हमने आईपीएल देखा है उसमें सुरेश रैना का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, लगातार इतना कोई खास प्रदर्शन किया नहीं। हालांकि उनने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है, मगर अभी भी उनका वो जो परफॉर्मेंस हम जाने जाते हैं सुरेश रैना आईपीएल में देने के, वो अभी तक आई नहीं है। हम आशा करेंगे कि अभी जितने मैचेस बचे हैं आईपीएल में उसमें वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। वहीं अगर हम बॉलिंग की बात करें तो अभी भारत के पास 2 ही प्रमुख गेंदबाज हैं जो अपोजिशंस को आराम से किसी भी स्कोर को डिफेंड भी कर सकते हैं और रोक सकते हैं, उसमें हम बात करें भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह। मगर इस समय भी भारत को अभी 2 और ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत है, मगर आईपीएल में देखा कितने अच्छे भारतीय टीम के जो यंगस्टर लोकल प्लेयर्स हैं, अंकित राजपूत ने जो 5 विकेट होल लिया पहला आईपीएल में इस सीज़न का, उन्होंने 5 विकेट लिया। वहीं बेसल थम्पी, सिद्धार्थ कौल, उन्होंने लगातार अच्छी प्रदर्शन किया है। वहीं जैसे शार्दुल ठाकुर ने थोड़ा निराश किया, लगातार उनको मार पड़ी है, मगर इसे कुछ प्लेयर्स हैं जो भारत के लिए उभर कर आए हैं, और ये भी शायद आईपीएल के प्रभाव का कारण है कि जो भारत का 2019 वर्ल्ड कप का स्क्वाड चुना जाएगा उसमें इनमें से कुछ यंगस्टर आपको दिखाई देंगे। आज के क्रिकेट शॉर्ट के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और ऐसे ही हमारा एपिसोड देखते रहें।